मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो लकीस्ट पीपल पार्ट वन को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने हमें कमेंट करके कहा था कि इस सीरीज का पार्ट टू भी जल्द बनाइएगा। आपकी इस डिमांड पर द वायरल नमल आया है फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस, लकीस्ट पीपल कॉट ऑन कैमरा पार्ट टू। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही मजेदार वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में एक शख्स को पिकअप के पिछले हिस्से पर बैठे हुए देखा जा सकता है। तभी अचानक एक काले रंग की गाड़ी आती है और पिकअप को पीछे की तरफ से जोरदार टक्कर मारती है। ये शख्स उछल कर नीचे गिर जाता है। इसे तो ये भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, जबकि वो जिस पिकअप पर बैठा था उसे तो गाड़ी टक्कर मार कर आगे धकेल देती है। यानी यमदूत लेने आ गए, लेकिन किस्मत ने जाने नहीं दिया। वैसे जब भगवान किस्मत बांट रहे थे तो ये लड़की पहली लाइन में खड़ी थी। तभी तो इन गाड़ियों की टक्कर के बीच इस खुश किस्मत लड़की का बाल भी बांका नहीं हुआ। हालांकि अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते इसे खूब आलोचना जरूर सुननी पड़ी। ये भी बाकी दो महिलाओं की तरह गाड़ियों के गुजरने का इंतजार कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। किस्मत हो तो इस लड़के जैसी हो, जो पहले कार और ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। इस एक्सीडेंट में कार और ट्रक दोनों का जबरदस्त नुकसान हुआ, लेकिन ये बंदा किस्मत वाला निकला। वाह बंदे, क्या किस्मत पाई है तूने। ऑगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब में गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान अचानक दर्शक आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक दो चीड़ के पेड़ भर भराकर मैदान में गिर पड़े। खुशकिस्मती से गिरते समय एक दूसरे में उलझने की वजह से उनकी रफ्तार कम हो गई और लोगों को भागने का मौका मिल गया, नहीं तो आज कुछ भी हो सकता था। इसी तरह इस मंदिर के बाहर लगा ये पेड़ भी अचानक गिरने लगता है, जिसे देखकर वहां अफरा तफरी मच जाती है। ये पेड़ झूलते हुए गिर जाता है। वहीं दो लकीस्ट लोग इस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच जाते हैं। यहाँ भी ये भाई सही टाइम पर हट गया, वरना आज तो पेड़ ऊपर ही गिर जाता। इस ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती ठीक से काम नहीं कर रही थी, ऐसे में कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। इसी कंफ्यूजन के चक्कर में वीडियो के 7वें सेकंड में दो बाइक सवार एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हैं कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फॉर्चुनेटली ये दोनों मौत को चकमा देकर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए सेफली निकल जाते हैं। इस बिजी रोड पर भी कुछ ऐसा ही घटित होता है, जहां एक सवार इस कार से टकराने ही वाला होता है कि किस्मत उसे कुदाकर सुरक्षित उतार देती है। इसे कहते हैं मौत को टक से छूकर वापस निकल जाना। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 5000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर ठोक दीजिए अपना लाइक। दोस्तों, इस ड्राइवर का ब्रेक ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन किस्मत इतनी मेहरबान थी कि इतनी स्पीड में होने के बावजूद भी टकरा ही नहीं। किस्मत के कारनामों पर अब भी यकीन नहीं हो रहा हो तो अब हो जाएगा। इस रेसिंग कार को देखिए, पलटा खाकर फिर से सीधी हो गई। ठीक इसी तरह ये तेज रफ्तार कार भी अनबैलेंस्ड होकर पहले इस और फिर उस बस की रूफ से टकराकर दूसरी तरफ चली जाती है। क्यों रह गए ना हैरान? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और यह कार यहाँ पर रुकी हुई थी। तभी एक इतना भारी पिलर इस गाड़ी को छूते हुए सामने गिर जाता है। यह देखकर कार में बैठे लोगों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो घबराते हुए कार से बाहर निकलते हैं। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो आज बुलावा आ ही चुका था। अब जरा इस वीडियो पर गौर कीजिए। यहाँ दो बाइक सवार बरसात को एंजॉय कर रहे हैं। इनमें से यामाहा RX 100 पर सवार लड़का आगे निकल जाता है। तभी जोर का धमाका होता है और आसपास कहीं आकाशीय बिजली गिरती है। ये देखकर ये लड़का बाइक को वहीं खड़ी कर दूसरी तरफ आ जाता है। आज इस बंदे पर किस्मत मेहरबान थी, नहीं तो बिजली का मेहरबान होना तय था। ये वायरल क्लिप देखकर आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। इसमें एक शख्स पुलिया पार करते हुए दिख रहा है। जैसे ही ये आदमी इसे पार करता है, वैसे ही ये पुलिया भर भर आकर गिर जाती है। आइस किंग का ये दीवाना इस बर्फ के इस ढलान के पास पहुंचकर आइस लेयर को चेक करने के लिए पांव से हिट करता है और वैसे ही बर्फ की पूरी परत नीचे ढह जाती है। ये बंदा भी गिरते गिरते संभल जाता है।
अब जरा सोचिए क्या होता अगर ये बर्फ पर स्कीइंग के लिए उतर जाता। इस क्लिप को देखकर लोग एक ही बात कह रहे हैं कि किस्मत हो तो ऐसी। दोस्तों, आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके अपनी बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर ये मुर्गा सारी नदी पार कर आया है, और अब जैसे ही क्रोकोडाइल के मुंह पर चलते हुए नीचे उतरने की कोशिश करता है, वैसे ही मगरमच्छ उसे तेजी से झपटने की कोशिश करता है। लेकिन मेहरबान किस्मत का मालिक ये मुर्गा जैसे पूरी नदी पार कर आया, ठीक वैसे ही यहाँ भी मौत को मात दे निकलता है। हे भगवान, ये कछुआ तो मौत के मुंह में लगभग समाया हुआ है, और ये मगरमच्छ उसे जिंदा निगल जाने की हर मुमकिन कोशिश करता दिख रहा है। लेकिन रुकिए, आज मगरमच्छ का नहीं बल्कि इस कछुए का दिन है। आखिरकार किस्मत जीत जाती है और कछुआ मौत को टक से छूकर कहीं दूर निकल जाता है। वाह जी वाह, क्या किस्मत पाई है। वाकई ऐसी किस्मत तो लाखों में से किसी एक को ही मिलती है। इसी तरह इस वीडियो में ये कछुआ इस कुत्ते को बार बार तंग करता दिख रहा है। परेशान होकर कुत्ता कछुए की गर्दन को दबोच लेना चाहता है, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता है। आखिर में एक ऐसा मौका आता है जब कुत्ता अपने मंसूबे में लगभग कामयाब हो ही जाता है। लेकिन आज कछुए की किस्मत इतनी तेज थी कि वो कुत्ते का शिकार होने से बच निकलता है। ये वीडियो किसी गोदाम का लग रहा है, जहाँ एक बंदा अपना सामान इस लिफ्ट में रखकर बाहर निकलकर जैसे ही शटर नीचे करने वाला होता है, वैसे ही लिफ्ट एक झटके में नीचे चली गई। ये देखकर बंदे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यमराज ने तो बुला ही लिया था, लेकिन अच्छी किस्मत ने बचा लिया। इसी तरह इस वीडियो में एक आदमी कुछ सामान लेकर दुकान से बाहर निकल रहा है। उसके बाहर निकलते ही दुकान में पहले से चल रही वॉशिंग मशीन में आग लग जाती है, और एक जोर का धमाका होता है। ये ब्लास्ट इतना तेज था कि शॉप के फ्रंट का शीशा ही टूटकर गिर जाता है। किस्मत के धनी लोगों के सितारे कितने बुलंद होते हैं, इन वीडियो से आप बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ जिस रफ्तार से मगरमच्छ ने हिरन पर अटैक किया, उससे बचना लगभग नामुमकिन था। इस बंदे का भी गाड़ी से हादसा होना लगभग तय था। यहाँ भी इस बंदे को यमराज का बुलावा आ ही चुका था। इन सभी जगह अगर एक सेकंड की और देर हो जाती तो इन सब की जिंदगी खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर वाले ने इन सबको तोहफे में अच्छी किस्मत दे रखी थी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको लकीस्ट पीपल कॉट ऑन कैमरा पार्ट 2 का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।